हेलो एवरी वन स्टडी आई क्यू चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम बात करेंगे क्या होती है सबसे पहली बात तो डिस इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं क्यों हमें एक ऐसी चीज के बारे में बात करनी पड़ रही है जो गलत है जो झूठ है लेकिन इन द एज ऑफ सोशल मीडिया जितना ज़्यादा सोशल मीडिया प्रिवलेंस हो गया हमारा हम सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं फेसबुक ट्विटर्स हमारी जो ई न्यूज़ हो गई है जो सब कुछ आजकल वेबसाइट्स पे आती है इन सब के एरा में इन सब की एज में जिस तरीके से इंटरनेट का यूज़ जितना ज़्यादा बढ़ रहा है जितने ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं डिसइनफॉर्मेशन या आप इसे बोल सकते हैं कि फेक न्यूज़ ये इतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो इसी के बारे में बात करेंगे क्या होती है क्यों बढ़ रही है क्या इसके पीछे रीजन है और सबसे बड़ा मीडिया का क्या रोल है इस डिसमेशन को स्प्रेड करने में और इस डिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में भी मेरा नाम संतोष चौधरी है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम लिटिल अंडर स्कोर सिंपल अंडर स्कोर बुद्धा पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं पहले एक डेफिनेशन देखते हैं कि डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन और माल इन्फॉर्मेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है डिसंफॉर्मेशन एक ऐसी होती है जो जान के आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है मानिए आप कहीं से जा रहे थे और आपने रास्ता पूछा उस पर्सन को पता था कि आपको राइट right में जाना है लेकिन उसने आपको लेफ्ट में जाने के लिए बोला उन्होंने जानबूझ के आपको गलत इंफॉर्मेशन दी वो होती है डिस तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो गलत है और डिलिबरेटली क्रिएट करी गई है ताकि आप किसी पर्सन को हार्म कर सको सोशल ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझ के बोली गई है वेट इज मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि यार मुझे पता ही नहीं था लेकिन मैंने अपने साथ तुम्हें भी गलत बता दिया मेरा इंटेंशन तुम्हें हार्म करने का तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था तो मिस इन्फॉर्मेशन भी गलत है लेकिन ये आपने जानबूझ के नहीं करा है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और माल इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि ऐसे जो रियलिटी पे बेस्ड हो और उसका यूज़ आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हो तो वो होती है माल इंफॉर्मेशन ठीक है दैट इज इंफॉर्मेशन विच इज ट्रू विच माइट बी ट्रू माल इंफॉर्मेशन सही हो सकता है लेकिन उसका पर्पस क्या है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो तो डिस इन्फॉर्मेशन बोल लो चाहे आप फेक न्यूज बोल लो इन्फोडेमिक ऑफ सोशल मीडिया एज के अंदर वर्स होती जा रही है हर दिन इतनी सारी आप अपने आसपास जब से कोरोना आया है जब से कोविड नाइनटीन के केसेस आए तब से आपने बहुत सारी कोई दसों फेक न्यूज़ सुनी होगी कौन कौन सी मतलब आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन से लगी राइट इन दी कमेंट सेक्शन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी थी पर्सनली वो ये थी कि तो पिछले कुछ सालों के अंदर इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन इफेक्टिव वेपन ठीक है लोग इसे यूज कर रहे हैं अगर आप यूएसए uh, के इलेक्शंस को याद करें जिसके अंदर ट्रंप मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्रेजिडेंट बने थे तो उसमें उसके बाद में रशिया पर बहुत ब्लेम लगाया गया था बहुत ब्लेम गेम खेला गया था कि uh, uh, जो uh, इलेक्शन की प्रोसेस थी उसको उसको मॉडिफाई करा गया था उसको इन्फ्लुएंस करा गया था जो लोगों के ओपिनियंस है उसको इन्फ्लुएंस करा गया था सिमिलरली ये एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है जिसमें आप कम्युनिटीज को पोलराइज करते हो भी हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे और ये हमारे पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी अपसेट कर सकता है तो फेक न्यूज़ हालांकि किसी भी इलेक्शन का एजेंडा नहीं होता है लेकिन वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके उसको स्प्रेड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू रिपीटेटिवली आपको वो इमेजेस रिपीटेटिवली आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी कि वो एट दी एंड पॉलिटिकल सर्विस के काम आती है वो पॉलिटिकल लाइक like, उनका जो हिडन एजेंडा होता है उसको फुलफिल करने के काम आती है देखो अभी स्पेशली और भी न्यूज़ है क्योंकि व्हाट्सअप ने जब से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करिए और उसके पहले फेसबुक और यूट्यूब को इस चीज के लिए बहुत प्रेशराइज करा जा रहा था कि आप अपने प्लेटफॉर्म से जो भी फेक न्यूज आती है उनको रिमूव करो एल्गोरिदम्स होते हैं ये सब एल्गो से वर्क करते हैं तो उन्होंने इस चीज पे प्रेशराइज करा था कि आपकी जिस एल्गोरिदम पे आपका वर्क करता है आप उसको रीडिजाइन करिए और ये इंश्योर करिए कि इस तरह का फेक कंटेंट जो है वो गेन ना करे पॉपुलरिटी देखो आ जाएगा उसको पांच दस पचास व्यू मिल जाते हैं तो वो एक अलग चीज है लेकिन अगर वो वाइड हो जाता है कोई फेक न्यूज ना तो वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है तो इसी तरीके से व्हाट्सएप ने भी अपनी नई फॉरवर्डिंग कोविड के टाइम पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पहले दस और फिर पांच लोगों को ही आप व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो तो इससे क्या होगा कि लोगों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी फेक न्यूज पे थोड़ा कंट्रोल हो रहा था इसी तरीके से अगर आपको याद है तो पीआईबी ने भी कोरोना के टाइम में अपना एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप डाला था कि अगर आपको कहीं से भी कोई फेक न्यूज मिलती है आप इस व्हाट्सएप चैनल पे फॉरवर्ड कर दिए आपको उसकी ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी कि कितना ऑथेंटिक है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा था कि आपका क्या मैकेनिज्म है फेक न्यूज के अगेंस्ट आप कैसे इसे कंट्रोल कर रहे हो और अगर नहीं है आपके पास कोई मैकेनिज्म तो क्यों नहीं है और उसे जल्दी से जल्दी बताया जाए हालांकि सुप्रीम कोर्ट सेंटर के रिप्लाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने जो जो इंफॉर्मेशन दी थी हालांकि लेकिन आ, आप यहां पे तबलीकी जमात का जो केस हुआ था अगर आपको याद है कि दिल्ली के अंदर तबलीकी जमात की एक मीटिंग थी और आ, उसके बाद में काफी केसेस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए थे तो एक कम्युनल टेंशन आ गया था हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल टेंशन हो गया था तो ये जो कम्युनल टेंशन है इसको सबसे ज़्यादा हवा पानी दिया था इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो हवा पानी दिया था उसकी वजह से आ, अगर मैं अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत ज़्यादा टेंशन और टसल हो गई थी और ये यहीं पे यहीं पे ये जो जमाती हैं इन्होंने एक पिटिशन फाइल करा था कोर्ट के पास कि आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए मीडिया में जो इस तबलीगी इंसिडेंट को कम्युनलाइज कर रहे हैं हालांकि वो एक मिस्टेक था जो भी उसके पीछे रीजन था जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज थे जो भी उसमें एक्शन हुआ लेकिन उसको एज अ फेक न्यूज एज ए उसको डिस इन्फॉर्मेशन इट शुड नॉट हैव बीन स्प्रेडेड तो ये इस तरीका है तो स्टेट ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन क्या है तो इंडियन कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें ना तो क्वालिटी देखो डिस इन्फॉर्मेशन का कोई क्वालिटी नहीं होता है ये क्वांटिटी होता है कि पहले हमको दस ऐसे uh, फेक मैसेजेस आ थे आज हमको सो फेक मैसेजेस आ रहे हैं तो ये जो नेचर ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन है ना ये आज भी सेम ही है अगर मैं आपको बहुत सिंपल लेमेंट लैंग्वेज में, में बोलूँ तो डिस इन्फॉर्मेशन वो है जो आप किसी दूसरे इंसान के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है या आपको उसका नुकसान करना है या फिर आपको अपना फायदा करना है जैसे कि आपका एक दोस्त है माना कि वो बहुत इंटेलिजेंट है बहुत सीधा है लेकिन आपको आप नहीं चाहते कि उसको नौकरी मिले तो आप क्या करोगे डिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज फैलाना स्टार्ट कर दोगे कि अरे उसका तो बैक आ गया था उसको तो कुछ आता नहीं है वो तो सबकी चिटिंग करता है वो ऐसा है वो दारू पीता है या वो जो भी करता है जो भी वट आप विल स्टार्ट स्प्रेडिंग फेक इन्फॉर्मेशन इन योर कम्युनिटी तो पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम बातों में फेक न्यूज फैलाते थे लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी आ गई है तब से ये है कि आप तो एक मैसेज फॉरवर्ड कर दो एक वीडियो बना दो कोई एक न्यूज बना दो वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों में फैल जाएगी डिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो इसमें एलिमेंट ऑफ वॉयलेंस होता है और ये हाईली पोलिटिसाइज भी होती है जैसे कि आपको मैसिव स्पाइक ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन मिला था जब एंटी सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे इलेक्शन हो रहे थे या दिल्ली के जो ट्वेंटी में राइट्स थे या फिर पेंडेमिक के भी आपको बहुत

तो अभी भी आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुरकुरे को जब जलाते हैं तो वो प्लास्टिक है तो इसका मतलब आप प्लास्टिक खा रहे हो कुरकुरे का भी था तो दिस इज फोर दिस इज अ फेक न्यूज तो ये इसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में भी हो सकता है जो हर दिन आपको कंटिन्यूअसली दिखाएंगे और उसमें आपको डिफरेंट तरीके फोटोज इमेजेस टेक्स्ट होंगे आपको कंटिन्यूसली दिखाएंगे तो वो झूठ सच मानने लग जाते हैं हम तो इसी फेक न्यूज को फाइट करने के लिए मीडिया का क्या रोल है इस बारे में बात करते हूँ मीडिया कैसे फैला रहा है वो देख लिया मीडिया का रोल क्या है कि इसे कंट्रोल कैसा करा जाए तो ब्रिक्स मीडिया फोरम बना था 2015 के अंदर तो ये जो फिफ्थ ब्रिक्स मीडिया फोरम था इसको अभी अभी रिसेंटली वर्चुअली हेल्ड करा गया था और इन्होंने मीडिया कॉरपोरेशन को प्रमोट करने के लिए बात करी थी तो इस फोरम का एम क्या है कि एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म स्टैब्लिश करेंगे जितने भी ब्रिक्स मीडिया जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनकी जितनी भी मीडिया है उनके बीच में एक इफिशियंट कोऑर्डिनेशन होगा एक एडवांस इनोवेशन ड्रिविन मीडिया डेवलपमेंट होगा और इस मोमेंटम को स्ट्रोंग करने के लिए ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक्सचेंज करेगी और प्रेगमेटिक प्रैक्टिकल कारपोरेशन करेगी अंडर दी मैकेनिज्म की इस तरीके जितनी भी डिसइनफॉर्मेशन या जो फेक न्यूज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करा जा सके तो ब्रिक्स मीडिया फॉरम एक वाकई में एक डिफरेंस बना सकता है क्योंकि इसमें जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं हमारी वो आ रही है साथ में और वो क्या कर रही है फाइट कर रही है कि दे आर मोटिवेटिंग देर मीडिया कि यू फाइट अगेंस्ट इट एंड जो भी डिसइनफॉर्मेशन फैल रही है उसको हमें बंद करना है तो इसमें क्या होगा कि हम प्रमोट करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे रिलेवेंट मीडिया एक्सचेंज को जर्नलिस्ट की वर्कशॉप्स होगी उनकी ट्रेनिंग होगी कि किस तरीके से सबसे पहले तो उनको इन्फॉर्मेशन को चेक करना है टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है और इस पूरे डिस इन्फॉर्मेशन का जो नेटवर्क फैला हुआ है इसको कैसे कर्टल करना है नाउ रिग्रस फैक्ट चेकिंग और इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है फेक न्यूज़ जो आती है ना वो इतनी ट्रू दिखती है कि हमको लगता है कि ये तो सही बात है सरकार खुद को बचाने के लिए इसको झूठ बोल रही होगी पर ये हमें तो सच लग रही है लेकिन वो सच नहीं होती है तो उसी को फैक्ट चेक करना है इन्वेस्टिगेट करना है स्पेशलाइज्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तक बनाई जा सकती है जिसमें जो ट्रेंड टीम ऑफ जर्नलिस्ट होती है वो काम कर सकती है आप इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो डिप्लॉयमेंट जैसे आई ए आई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये स्पेशली लार्ज स्केल ऑनलाइन हार्म जो भी यूज़ करती है उसको हम टेक्नोलॉजिकली सॉल्यूशंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या स्टेप्स uh, और भी लिए जा सकते हैं रेदर देन दैट देखो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जो है मीडिया में फैलती है ये सीरियस सोशल चैलेंज तो है ही इसके साथ ही ये एटमोसफियर मतलब आप आई आई स्टिल रिमेंबर कुछ महीने पहले एक न्यूज़ uh, आ रही थी जिसके अंदर आई थिंक इट वॉज़ इन महाराष्ट्र की uh, किसी लोअर कास्ट के पर्सन के बारे में ये फेक न्यूज फैला दिया गया था कि वो बच्चों को किडनैप करता है और उसे पीट पीट के मार दिया गया था वहीं पे सिमिलरली ऐसी काफी सारी न्यूज है जब हम बीफ के बारे में या फिर काउ किलिंग के बारे में बहुत सारी ऐसी न्यूज फैलाई गई थी डिस या फेक न्यूज बोलो जिसमें काफी सारे लोगों की डेथ हो गई थी तो ये लिंचिंग करवाता है ये राइड्स करवाता है ये एक पूरे एटमोस्फेयर को पॉइजनस बना देता है तो काउंटरिंग कंटेंट मैन्युपुलेशन या फेक न्यूज जो है टू हमको ये उसको काउंटर करना होगा We have to restore faith in social media. मतलब सबसे पहले तो उनको पब्लिक वी ऑल्सो नीड टू एजुकेट पब्लिक और उनको इस चीज़ का बहुत सिंपल uh, भाषा में जैसे पोलियो की जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी या कोविड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उनकी खुद के लैंग्वेज में इसी तरह इसको फाइट करने के लिए भी हमको ग्राउंड लेवल पे जाके पब्लिक को एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको सही बात को गलत बात से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है हमारे जो रेगुलेशन हैं जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर स्पेशली अभी कोई रेगुलेशन है नहीं तो उसको रेगुलेट करना टेक कंपनीज़ को इस इस आ, इस आ, दिशा के अंदर ऐसे सूटेबल एल्गोरिद्म बनाने के लिए मोटिवेट करना ताकि वो फेक फेक न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन इससे स्प्रेड हो इससे पहले ही उसको रोक सके और एजुकेटिंग दी एंड यूज़र टू बी मोर प्रिसाइज इज वे मोर यूज़फुल देन डूइंग मेनी ऑफ दी अदर थिंग्स तो ये वेरीफाई कर सकते हैं उनको बताना कि आप किसी भी न्यूज़ को कैसे वेरीफाई करोगे आप इस लिंक पे क्लिक करिए तो आपको न्यूज़ का पक्का इन्फॉर्मेशन या उसका जो बैक लिंक है वो आपको मिल जाएगा सो दिस वॉज अबाउट द इंफॉर्मेशन डिस इंफॉर्मेशन इन न्यूज अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे लिटिल अंडर स्कोर सिंपल अंडर स्कोर पे मैंने बायो के अंदर एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं सो so इस वीडियो में इतना ही आई एल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टिल देन बी हैप्पी जय हिंद